नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में हमारे साथ आज खास मेहमान के रूप में महर्षि स्कूल के प्रिंसिपल सी के शर्मा सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इसी उद्देश्य को लेकर कुछ सवाल हमने तैयार किए थे। जैसे कि इसके पहले हमने एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, जब उसमें चर्चा की थी कि स्कूल संचालक जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, इससे बच्चों के आँखों पर, कानों पर और मस्तिष्क पर असर पड़ रहा है। आज हम उसी मैटर को मिलाकर आपसे कुछ चर्चा करेंगे कि स्कूल संचालक जो हैं वर्तमान में किस तरह की शिक्षा पद्धति को अभी अपना रहे हैं, कैसे आपने शिक्षा को आगे चलाया इस लॉकडाउन में, क्या चल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए देना चाहूँगा कि आप मेरे पास ही नहीं बल्कि एक स्कूल के जो हेड है, प्रिंसिपल, उसके पास आए और जो एक वास्तव में जो समस्याएं हैं, जैसे आप में आँख का, मनोमस्तिष्क का, अवसाद का, और एक बहुत पेरेंट्स और बच्चा दोनों ही इस समय बहुत ही परेशान हैं, और स्पेशली परेशान इसलिए उसकी शिक्षा एक फॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रही है। और डायरेक्ट आपने हमसे पूछा और हम भी चाहेंगे कि आप जितने भी स्पष्ट इस तरह की बातें हैं अगर पूछेंगे तो हम भी बता सकते हैं कि हमारा एक्चुअल उसमें उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, क्योंकि हम और आप और शायद पेरेंट्स और सभी अभिभावक ये चाहते हैं कि हम सभी मिलकर किसी को कोई परेशानी ना हो, व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। जी सर, तो मैं उसमें ऑनलाइन के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन की स्टडी या ऑनलाइन लर्निंग की जो ये पद्धति है, तो उसमें सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये तो कई वर्षों से चल रही है। सवाल ये है कि जहाँ पर वो कॉरपोरेट या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में थी वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं थी और हम बेस्ट नहीं थे। मोबाइल का अर्थ हम केवल फेसबुक और ट्वीट या चैटिंग या व्हाट्सएप के ग्रुप, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के उससे जुड़े हुए थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बच्चों ने केवल, जो हायर एजुकेशन वाले थे, वो कुछ चीज़ें केवल लेते थे। हाँ, कुछ समय से वाईजूस, वेदांतु और कई ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म, LMS आए, लर्निंग सिस्टम्स आए, जिन्होंने की 60,000, 70,000, 80,000 पेमेंट्स पर लर्निंग सिखाने की कोशिश की या बच्चों को एक ट्यूशन देने की कोशिश की, लेकिन आम जनता ने लर्निंग के ऑनलाइन पद्धति को अपने अंग के साथ नहीं जोड़ा। और जब ये अचानक कोरोना हो गया, और कोरोना को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कब हुआ, एग्जाम के कुछ पेपर छूट गए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो गए, वो दोनों छूट गए, उसके बाद तो परेशानी कहाँ पर पैदा। सर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो लोगों के ये आरोप भी हैं, उनका कहना ये है कि ऑनलाइन क्लासेस स्कूल इसलिए चला रहा है क्योंकि फ़ीस का मैटर है, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी तो वो बच्चों से फ़ीस कैसे मांग पाएंगे। इस मुद्दे, ये बड़ा मुद्दा है, इस पे लगातार शहर में भी चर्चा चल रही है और बच्चों के अभिभावक भी कह रहे हैं इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के द्वारा चलाई जा रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे तो फीस कैसे मिलेगी, इस पर क्या कहना है आपका। मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर चर्चा की और हमसे इस बात का जवाब मांगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो छुट्टियों के दौरान इस तरह की जो क्लास चलाई गई वो एक तरह से यही है कि हम पेरेंट्स और बच्चे साथ में कांटेक्ट रखें, स्पेशली बच्चों को एंगेज करके रखें, लेकिन अगर हम हमारा विचार करें तो सुबह से शाम तक हम केवल लर्निंग ही नहीं कराते, अनेकों एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराते हैं, उसमें कोई फीस नहीं लेते, म्यूजिक, इंग्लिश कन्वर्सेशन, PT, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें कराते हैं, लेकिन इसको केवल कुछ अंश तक मैं कह सकता हूँ कि फीस के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन एक कॉन्टैक्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम भी हैं और हमारा भी ध्यान रखा जाए। और फीस के लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ट्यूशन फीस दीजिए। सेकेंडली, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कि 3 महीने की मैंने माफ़ कर दी, 2 महीने की मैंने माफ़ कर दी, तो मैं कहना चाहूँगा जितने प्रेस्टिज और जितने बढ़िया स्कूल्स हैं वो ऑलरेडी 2 महीने की फीस नहीं लेते हैं, उनका सेशन 10 महीने का ही होता है, और उसमें गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दिया है, मुख्यमंत्री जी का वीडियो बार बार आ रहा है कि केवल ट्यूशन फीस लेना है, ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं लेना है, तो मुख्यमंत्री जी का वीडियो भी आ रहा है कि केवल ट्यूशन फीस लेना है। और आपको मैं, आप बोलने का मौका दिया तो मैं बोलना चाहूँगा, कई लोग इसको बड़े गंदे ढंग से भी बोल रहे हैं कि स्कूलों को हम बंद करा देंगे। इवन मैंने ऑफिसर्स को, दूसरे स्टेट्स के ऑफिसर्स को बोलते देखा कि दादागिरी कर रहे हैं और गाली देते देखा एजुकेशन के सेक्टर के लोगों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल जो हमारे व्यवस्थित हैं, हमारे पास, आप ये मानिए कि PF का कर्मचारियों के इस्टेब्लिशमेंट खर्चे हैं और जो आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं वो बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो उनके लिए हमें कहीं ना कहीं से कुछ पैसा तो देना, उनकी सैलरी तो देना पड़ेगा। सवाल ये है, आपका कहना ठीक है कि बहुत कमाया, लोग बड़े स्टेट में बोलते हैं अरे साहब बहुत कमा के रखा हुआ ना पीछे का, वो दे दीजिए, पर कितना कमाया, 3 से 4 महीने तक कमाया, आज हमारे पास खुद 40% इनके लोन के पूरे पड़े हुए, परमिट, इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, इस तरह अनेकों खर्चे जो मैं आपको बता नहीं सकता डे टू डे में, लेकिन मैं उन खर्चों का दबाव आपके ऊपर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे
उनकी सैलरी तो निकलनी चाहिए। इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्यूशन फीस से ही बहुत खर्चा निकल आता है, तो मैं कहना चाहूंगा जो घर आपने नहीं देखा उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं? आज 200-250 इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा स्टाफ है, उसकी इतनी हाई सैलरी है, उसको दे पाना आसान नहीं होता। मैं इसको पेरेंट्स को, समाज को ये कहना चाहूंगा, जो वाकई गरीब है, जो बिल्कुल नहीं दे रहा है, उससे कोई जबरदस्ती नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी है, आपको ये बोला गवर्नमेंट ने, ये नहीं बोला कि आपका नाम काट दिया जाए। गवर्नमेंट ने बोला हमको कंपल्शन कर दिया, आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, आपकी परीक्षा दिलाना ही दिलाना है। ये भी गलत है। गवर्नमेंट अगर ये बोलता है एग्जाम दिलाना है, तो आप में से कई ऐसे लोग हैं, 90% पेरेंट्स फीस देना चाह रहे हैं, वो स्कूल की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से ही दबाव रहता है, ये किसी तरह स्कूलों को दबाव में लेकर अपना हित साधते हैं, वो लोग केवल ऐसा प्रचार करते हैं कि हम केवल पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है आपके बच्चों को अच्छा बनाएं, लेकिन कुछ ना कुछ अंश ऐसा है, यदि हम अपने उस माध्यम के थ्रू आपको दबाव देते हैं, या आपके उससे ऐसा कुछ प्रेशर करते हैं, या हम आपके दिल में कहीं हर्ट करते हैं, या हम अनुचित करते हैं, तो वो हमारी गलती है। लेकिन यदि हम अपनी निवेदन करते हैं, हम आपसे याचना करते हैं, हम अपने एक जनरल नोटिस भेजते हैं कि आप फीस दीजिए, तो आपसे छीना नहीं जा रहा है, आपसे एक अनुरोध किया जा रहा है, आपकी मर्जी है, आपके सुचारू सहर्ष रूप से आप जितना दे सकते हैं, जितनी क्षमता है, और ट्यूशन जो एक वैधानिक नियम है उसके देते हुए कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद कहूँगा। और इसमें एक कठिनाई के समय में मैं और एक अगर एक दूसरे की कठिनाई को बांट लेंगे तो समाज भी बहुत अच्छा चलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आ रही सर, ये अच्छा है कि आप लोग कम से कम लर्निंग को ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। मेरा विरोध करने का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस ना चलाई जाएँ, मैंने सिर्फ इन चीज़ों का सवाल उठाया था कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं उनको कितना टाइम दिया जा रहा है। अभी जो शिकायत आ रही थी अभिभावकों की कि उनको ये बताया उनके लिए लगभग 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बैठा दिया जाता था। समस्या ये होती थी कि मोबाइल में लीड लगा दी, उसके हेडफोन कान में लगा दिए, बच्चा मोबाइल के सामने बैठा है, लगभग 4 घंटे जब बच्चा बैठा रहेगा, भले ही आप 1 घंटे बाद उसको एक दे रहे हो कि आप निकल जाइए, बाथरूम जाना है या पानी पीने जाना है, जो भी है, ETC, बच्चा छोटा है। बात सिर्फ ये है, आप इतनी लंबी क्लास अगर बच्चे के साथ चलाएंगे तो बच्चा क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा। इस पर मैंने एक खबर बनाई थी, उसी उद्देश्य को लेकर मैं आज आपसे भी बात कर रहा हूँ कि क्या छोटे बच्चे इतनी देर तक ऑनलाइन क्लासेस में बैठ सकते हैं? ये आपकी बात बहुत उचित है, इसको हमें 2-3 पर्सपेक्टिव में सोचना होगा जी। पहला तो ये है कि मोबाइल जो है वो घर में है, यहाँ से केवल लर्निंग प्रोसेस की जाती है। जैसे टीवी का चैनल चलता है जी, तो टीवी का चैनल जब चलता है तो वो रिमोट आपके पास है, तो उसको आप अपनी सुविधा अनुसार बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, ये सोचना होगा पेरेंट्स को, ठीक है, राइट। और अब उसमें टीचिंग क्योंकि कराते हैं, तो उसमें कहना आपका जायज़ है कि जब स्कूल कराएगा तो दबाव में बच्चा बैठेगा, ये आपकी बात जायज़ है, और मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ कि 6 घंटे जो अगर बैठा रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन वो कैसे बैठता होगा इसको अपने को सोचना होगा। ये बैठता कैसे होगा, इसलिए कि अगर सपोज कोई स्कूल मैटर दे रहा है, अब मैटर उसमें है और उसको लिख रहा है, वो उसे उतार रहा है, तो जब उतारेगा तो वो उसमें टाइम ले रहा होगा, इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा। क्यों, अभी जैसे हम लोगों ने पहले चलाया तो हमने भी 9 से 1 या 2 चलाया, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव अलग अलग थे, लेकिन उसमें एज पर इंटरेस्ट था, उसमें हमने कहा कि आप अपने अनुसार, जैसे ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मैंने आपके डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखा कि 40 मिनट का सेशन आपने खत्म किया या 30 मिनट का दिया, आप थोड़ा सा घूम कर आइए, आंखों में पानी मारिए। हाँ। सेकंडली आप देखिए मैटर कहाँ पर आया, मैटर आपके मोबाइल पर आया या लैपटॉप या कंप्यूटर पर आया, आप उसका एक शेड्यूल, पेरेंट्स का फर्ज है और हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को बताएं कि आप उसका शेड्यूल बनाइए कि हर 40 मिनट के सेशन के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और हर 2 घंटे के बाद कम से कम आधे घंटे का सेशन लीजिए, बीच में कुछ चाय पानी खाते रहिए, वॉशरूम जाते रहिए और थोड़ा घूम कर आइए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये समझना होगा, मैं आपको बताऊँ ऑनलाइन लर्निंग को मैं विशेषकर किस चीज़ से जोड़ना चाहूँगा, जो हम नहीं करते, वो क्या नहीं करते, हम सेल्फ लर्निंग नहीं करते। अगर हम ये कहते हैं कि इससे दबाव होता है, तो आप ये मानिए 9th to 12th या 9th के ऊपर बच्चे पहले भी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे अपनी प्रिपरेशन UPSC PSC 10th और 12th प्लस छोटी क्लास में पहले भी पढ़ते थे बच्चे, शाम को 7 से जिन्होंने टाइम बना रखा 10 बना रखा होगा, लेकिन 10 बनाने का मतलब ये था कि बीच में आधा आधा घंटे का ब्रेक देना, उसको मुंह हाथ धुलाना, रिफ्रेशमेंट कराना, स्नैक्स दिलाना, वो हमको शेड्यूल और टाइमली बताना पड़ेगा उसको। और इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ने वाले होते हैं, और वो मोबाइल में जो 6 घंटे का है वो उसी तरह है, उसमें जब वो आप लिखता रहेगा तो उसमें मैंने देखा कई पेरेंट्स की हमारे पास भी शिकायत आई, पेरेंट्स ने किताबें लेकर नहीं दी, पेरेंट्स ने नोटबुक्स लेकर नहीं दी, अब वो एक मोबाइल से 2 या 3 बच्चे ही या वो स्वयं भी है, बहुत सारा मैटर अगर टीचर दे रहा है या स्कूल दे रहा है या हम दे रहे हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं, उसको हमको रैशनलाइज करना है। तो वो जब पेरेंट्स हमको बताएंगे कि नहीं मैटर ज़्यादा आ गया, आप रैशनलाइज करिए, तो हम और आपस में मिलकर उसको रैशनलाइज करें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
छः घंटे ही नहीं, 2 घंटे छोटे बच्चे के लिए और बड़े बच्चे के लिए 3 घंटे से ज़्यादा क्लास बिल्कुल अनुचित है और नहीं की जानी चाहिए। वो केवल स्किल्स, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक या दूसरी चीज़ों में जिसका इंटरेस्ट है उसको करनी चाहिए। मैं इसका बिल्कुल मैं भी विरोध करता हूँ, और अगर मेरे स्कूल में या हमारे द्वारा भी कहीं होता है हमको बिल्कुल आप बताएं और बिल्कुल स्पष्ट बताएं कि ऐसा है और हम उसको बिल्कुल बंद करें। क्योंकि मेरे जैसे छोटे बच्चों से भी बात हुई तो वो कहते अंकल मैं बोर होने लगता हूँ यहाँ बैठे बैठे, सर दर्द होने लगता है, कई शिकायतें आई, तब इस मुद्दे को मैंने उठाया है। मेरा ये है कि अगर भविष्य में लॉकडाउन खुलता है, वैसे खुलेगा ही वो, तो किस तरह की शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे, क्या प्लान तैयार रखा है? क्या देखिए, ऐसा है कि आप लोग भी सब समाचार पत्र और देश और विदेश की चीज़ों को और उसको देख रहे होंगे, उसके अनुसार जैसे भी जो NCERT और CBSE की गाइडलाइन आएगी वैसा तो हम करेंगे ही, लेकिन हम बताना चाहेंगे उस गाइडलाइन को थोड़ा समझना है। आज अनिश्चितता बनी हुई है, स्कूल कब खुलेंगे, कोई निश्चितता नहीं है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये। और इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन को अब केवल आज के लिए नहीं, अभी कई वर्षों तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन हुआ करती थी, आप इसको एक अंग बनाइए। इसमें मेरे को सिरदर्द करता है, मेरे को परेशानी है, नहीं, इससे रिलेटेड जितनी सुविधाएं हैं मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों से अनुरोध करूंगा कि उसकी सारी सुविधाओं को धीरे धीरे जुटाने की कोशिश करिए, किताबें लेने की कोशिश करिए। इसके अलावा जो अब अगर खुला स्कूल तो कैसे खुलेगा, सबसे पहले 11वीं 12वीं खुलेगा, फिर 9वीं 10वीं खुलेगा, फिर 7वीं 8वीं खुलेगा और उसके बाद नीचे स्लो डाउन होगा। लेकिन उसमें जो विशेषताएं होंगी कि स्कूल के एंट्री गेट से ही कहीं ना कहीं पर सैनिटाइजर की उपलब्धता होगी और बच्चे बसों में केवल एक सीट पर एक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। वो भी अभी उसमें दिक्कत होगी कि बस में जब 15 बच्चे आएंगे तो क्या स्कूल की उस फीस पर उसको पूरा हो पाएगा। सेकेंडली, क्या वो बच्चा उठ के दूसरे के पास नहीं बैठेगा, ये एक आपको समझना है। वो बड़े बड़े, मैं तो ये डरा हूँ कि बड़ा बच्चा तो पहले जाके बैठ के दोस्ती में गले हाथ मिल लेता है, तो क्या वो सुरक्षा वहाँ पर हो पाएगी? इसके बाद क्या स्कूल, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत स्पेसियस है, हम भी अगर हमारे यहाँ 40 की संख्या तो भी हम 15 से 20 से ज़्यादा नहीं बैठा पाएंगे। एक सीट पर एक बच्चा, परमानेंट एक ही बच्चा बैठेगा, 3 घंटे से ज़्यादा स्कूल नहीं लग सकता ये आप, क्योंकि अपना लंच यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, अपना पानी लेकर आएगा, और हर क्लासरूम में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, टॉयलेट्स वॉशरूम पूरे साफ सुथरे होंगे। आप देखेंगे हम लोगों ने पूरी एक गाइडलाइन बना रखी है, साफ सफाई, स्वच्छता, स्पेशली वॉशरूम्स और बच्चों को आने जाने का। इसके अलावा हमारी एक स्ट्रिक्ट अनुशासित गाइडलाइन है, हमें बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री देखनी होगी, कोई बच्चा क्योंकि इम्यूनिटी में कमजोर होगा, किसी को सोमेटिक ट्रबल हो सकता है, कोई डायबिटिक हो सकता है, हम उसको अनुमति नहीं दे पाएंगे, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसमें एक और सरकार भी गाइडलाइन बना रही है, हम भी बना रहे हैं। कुछ के पेरेंट्स आप बताइए जो फ्रंट पर हैं, जो बाहर जाते हैं, वो भी तो कोरोना ला सकते हैं, कोरोना केवल स्कूल से नहीं आएगा। हम केवल एक दूसरे को दोषारोपण देंगे तो ये ठीक नहीं है, हमें मिलकर ये समझना होगा कोरोना कहीं से भी आ सकता है, और कहीं तो उन सबको, पेरेंट्स को और हमको दोनों को उस तरह सचेत होना पड़ेगा। यदि ज़्यादा अभिभावक इधर उधर जाता है तो वहाँ से भी हो सकता है, उन बच्चों के लिए भी हमें एक स्पेशल गाइडलाइन बनानी होगी। मतलब और एक इसमें मैं कहना चाहूँगा, इसको टेंशन में ना लें, क्योंकि ये एक अब जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला है, इसको हंसी खुशी के साथ हम पालन करने के लिए सजगता के साथ में, सतर्कता के साथ में इसके अच्छे पहलू को सोचें। और अच्छा पहलू है, बहुत अच्छा मौका है सेल्फ लर्निंग का, सेल्फ स्टडी का। घर में आपका स्कूल पहुँच गया, मोबाइल आपके स्कूल में है, जिसको हम मना करते थे, मोबाइल मना करते थे फेसबुक दोस्ती के लिए, ट्वीट की दोस्ती के लिए, गंदे वेबसाइट से गंदे लर्निंग के लिए, लेकिन आज वही आपकी अच्छी लर्निंग के लिए उपयोगी हो सकता है। तो सेल्फ लर्निंग में, फिजिकल इम्प्रूवमेंट में, एक घर का आनंद लेने के लिए मेरे ख्याल से इससे और कोई अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस इंटरव्यू के लास्ट में आपसे लोगों के लिए क्या अपील है, जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति चल रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से, और जो ऑनलाइन जितने भी मैटर चल रहे हैं उनको लेकर? मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा, ये आप इसको बार बार कठिन दौर इस तरह करके हम अपने को बोलकर हैराश ना करें। जो भी दौर है बहुत अच्छा दौर है और ये धीरे धीरे दूर होगा, और इसमें हम इसके लिए अभ्यस्त बने और इसके लिए आगामी आने वाले समय के लिए तैयारी करें। और तैयारी में मैं बताता हूँ आपको, डिस्टेंट एजुकेशन पहले चलता था, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन पहले चलता था, अब आने वाले समय में विदेशों में पहले से ही चल रहा है, मैं क्योंकि समय कम है, अदरवाइज मैं कई देशों की तुलना बता देता आपको कैसे चल रहा है, लेकिन यहाँ कहूँगा ऑनलाइन लर्निंग को पार्ट बनाएं, अभिन्न अंग बनाएं, पार्ट एंड पार्शल बनाएं, इससे रिलेटेड जितनी सुविधाएं हैं बच्चों को दें, और वो केवल लर्निंग में, स्टडी में, वोकेशनल में, स्किल में, हर छोटी चीज़ को घर में बैठ के सीख सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप कोटा भेजते हैं, इंदौर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं कोचिंग के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, घर में बैठ कर आप बड़े बड़े ग्रुप में नहीं, 4 या 5 के ग्रुप में ऑनलाइन लर्निंग बड़े एक्सपर्ट से ले सकते हैं। आज हम लोग विदेश बड़े बड़े शहरों में जाते थे मीटिंग करने के लिए, डॉक्टर से मिलने जाते थे मीटिंग करने के लिए, आप घर में इंटरेक्टिव जो LMS है, सिस्टम्स हैं, इनके
के द्वारा आप कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अभी नंग मनाएं, घबराएं ना उसको, जैसा आपने कहा कि आंखों को देखते हुए, शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए और जो एक नियमावली है उस शेड्यूल को बनाते हुए आप इसका उपयोग करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आज टेक्नोलॉजिकली माइक्रोसॉफ्ट से या अन्य LMS सिस्टम से बड़े बड़े सर्टिफिकेट कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं और आज के समय में मौका देखते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों को जोड़ें कि जब भी खुले